जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि यमुनानगर में कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हेयर्स की प्रॉब्लम्स को क्योर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर विजिट करेंगे, क्योंकि अगर आप एलोपैथी की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से और सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं तो हम हैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए। आपके यमुनानगर शहर के अंदर आ चुका है एक नया कंसेप्ट, क्या कभी किसी ने सुना कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते आप बालों से जुड़ी किसी भी समस्या से निपटारा पा सकते हैं? शायद नहीं। तो यमुनानगर के अपने जो मेरे सिटी न्यूज़ चैनल के जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ एक ऐसा सुनहरा मौका। सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन बता देना चाहती हूँ, यमुनानगर के बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है ऋषि राम हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ अब ओपन हो चुका है VHCA हेयर क्लिनिक। जी हाँ, स्पेशली हेयर्स की समस्याओं का छुटकारा दिलवाने के लिए हेयर क्लिनिक आपके यमुनानगर शहर के अंदर आ चुका है। दोस्तों, 10 साल पहले घरोंडा से, जी हाँ, हरियाणा के घरोंडा से इस सफर की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज आप सभी के आशीर्वाद से पूरे देश भर के अंदर 18, जी हाँ, कुल मिलाकर 18 ब्रांचेस जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन लोगों को तो बालों की समस्या से राहत मिल रही है, जी हाँ, लेकिन अब यमुनानगर शहर के अंदर मैं बताना चाहूंगी कि बस स्टैंड के पास जो ऋषि राम हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में ही खुल चुका है VHCA हेयर क्लिनिक। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की, जिन्होंने 10 साल पहले इस सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज यूट्यूब के ऊपर भी इनके इतने खुद के फॉलोअर्स बन चुके हैं, क्योंकि बालों से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में जो मेन टिप्स हैं उसको लेकर डेली ये कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो लोगों का डॉक्टर जो अग्रवाल हैं उनके लिए जो विश्वास है वो लगातार जो है बरकरार नजर आ रहा है। तो ऐसा ट्रीटमेंट अब आप लोगों को बहुत ही कम दामों में मिलने वाला है, जो आप लोगों के बालों से जुड़ी किसी भी समस्या का छुटकारा अब आप लोगों को दिलवाने वाला है। प्राइस बिल्कुल जेन्युइन रहने वाले हैं, जी हाँ, लेकिन च्वाइस और डिसीजन अब आप लोगों का रहने वाला है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर हमारा हेयर ही एक ऐसा पार्ट है जिस हेयर में अगर घनापन होगा, सुंदरता होगी, बाल चमक करेंगे, तो उससे हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो सुंदरता है, उसमें निखार निकल कर आता है। और दोस्तों, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये अंदर का सारा कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को अपने चैनल के जरिए दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें यमुनानगर से जरूरी अपडेट हम आप लोगों तक लेकर आते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसे बालों से जुड़ी किसी भी समस्या से छुटकारा पाना है, तो वो यमुनानगर के बस स्टैंड, ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों के घर से या ऑफिस से बस स्टैंड, तो बस स्टैंड के पास ऋषि राम हॉस्पिटल के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन ऋषि राम हॉस्पिटल के साथ खुल चुका है VHCA हेयर क्लिनिक। जी हाँ, एक ऐसा क्लिनिक जिसमें आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलने वाला है, जिसके चलते लाइफ टाइम आप लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी, किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर देश भर के अंदर 10 सालों से अगर डॉक्टर अग्रवाल आप सभी के विश्वास के ऊपर खड़े उतरते नजर आ रहे हैं, तभी पूरे ऑल इंडिया के अंदर इनकी 18 ब्रांचेस खुल चुकी हैं, लेकिन अब यमुनानगर शहर के अंदर आप लोगों को बालों से जुड़ी समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते अब आप लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो टाइम पीरियड है वो रहने वाला है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6। तो दोस्तों, जो लोग बालों से स्किन को लेकर भी मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलने वाला है, स्किन जैसे कि अगर फेस पर झाइयां हैं या किसी भी तरह की स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप लोग यहां पर आकर एक बार विजिट कर सकते हैं। हो सकता है ये क्लिनिक आने वाले समय में आप लोगों के विश्वास के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरता नजर आए। और इसी के चलते अब बारी आ चुकी है डॉक्टर यतिका से बात करने की। ये यतिका कटारिया जी हैं जो आपके यमुनानगर शहर में आप लोगों को अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते आपकी बालों से जुड़ी किसी भी समस्या का अब निपटारा करने वाली है। गौर से इस चेहरे को देख लीजिए, जो भी इस क्लिनिक में आएगा उसे पर्सनली यतिका मैम ही डील करने वाली है। तो चलिए एक बार जो आज का मेन टॉपिक हेयर है, क्योंकि हेयर के नाम से ये क्लिनिक खुला है, तो एक बार मैम से जो जरूरी अपडेट्स है, जो जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, उसके लिए मैम से बात कर लेते हैं। और जिसको ये वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें, और इस वीडियो को इतना वायरल कर दें कि यमुनानगर शहर में अगर कोई भी बालों से जुड़ी समस्या से निपटारा पाना चाहते हैं उस तक ये मैसेज पहुंचना एटलीस्ट बेहद जरूरी है। तो बात कर लेते हैं यतिका मैम से। यतिका मैम, वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच। कभी सोचा भी नहीं था मैम कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते हेयर्स की किसी भी बीमारी से जो है हमें निपटारा मिल सकता है,
तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले क्या मैसेज बनता है? यमुनानगर में आपकी ब्रांच पहुंच चुकी है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी थैंक यू सो मच। एंड हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सभी बालों का ट्रीटमेंट किया जाता, सभी बालों के डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आयुर्वेद तो बहुत एंशियंट साइंस है, हमें पहले से ही पता है, उसमें हर एक बीमारी का इलाज हमें मिल जाता है। इससे आपको बालों से जुड़ी सभी समस्याएं, जैसे बालों का गिरना, झड़ना, पतले होना, बालों का सफ़ेद होना, समय से पहले, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, समय से पहले बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट, बालों में कीड़ा लग जाता है, पैचेस बन जाते हैं गोल गोल, उसका ट्रीटमेंट, सभी तरह की प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आपको हमारे यहाँ पर मिलेगा। कैसे मिलेगा मैम, एक बार वो जानना चाहते हैं आपसे। जी, हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिंस रहेंगी, जो मेडिसिंस आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि स्पेशली पहले वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना आता है मेडिसिंस में। आजकल बहुत लोगों की ये भी कंसर्न होती है आयुर्वेदिक मेडिसिंस गर्म होती हैं, बट ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। और लोग बहुत सारे मिनोक्सिडिल स्प्रेज और बहुत कुछ लेके पेशेंट्स आते हैं कि हम परेशान हो गए हैं यूज़ करके और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट हुए और हमने हेयर्स का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली आयुर्वेदा से करना स्टार्ट किया। तो मैम इसमें प्राइस का क्या वो रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जब बात आती है लोग वीडियोस भी देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन बजट के ऊपर मेन जो है वो बात आकर टिक जाती है कि बजट किस तरह से रहने वाला है, हर कोई अफोर्ड कर लेगा आपके इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को? जी जी जी, हर तरह से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ऐसा ट्रीटमेंट दें जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो, जो आप अफोर्ड कर सकें। जी मैम, एक PRP और GFC इसकी क्या डेफिनेशन है? ये जगह जगह आपके यहाँ पर क्लिनिक के अंदर ये बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, एक बार इसका मीनिंग जरूर बताएं। जी, PRP वो होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें क्या होता है कि हम आपकी जो स्कैल्प है वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है, उसमें ग्रो करने की, हेयर्स को अच्छी तरह से ग्रो करवाने की कैपेसिटी अब नहीं रही है, तो उसके हम ट्रीटमेंट के तौर पर PRP करते हैं, जिसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं, और उस ब्लड सैंपल को हम प्रोसेस करके उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, और वो सेपरेटेड प्लाज्मा जो है वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपके बालों की अच्छी ग्रोथ हो सके। मैम पता लग रहा है कि मतलब यहाँ हर जगह से ये चीज़ें पता लगती हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक है हेयर्स को लेकर, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चा आता है, तो ऐसा भी है मैम, यहाँ पर आपके क्या कुछ जो है प्राइस रहने वाला है इसको लेकर, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर खासकर? देखिए, प्राइस तो वेरी करता है कि पेशेंट का सरफेस एरिया कितना है, कितना एरिया कवर करना है, उस पर कितनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड रहेंगी, वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, तो मैम यमुनानगर वालों के लिए कुछ मैसेज बनता है आपकी ओर से, किस तरह से वो आपके पास आके विजिट कर सकते हैं बताइए एक बार। जी, आप वीक के सिक्स डेज फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे आप हमें विजिट कर सकते हैं। टाइमिंग्स रहेंगे 10 बजे से 2 बजे तक और फिर 4 बजे से 7 बजे तक। मंडे हमारा ऑफ रहता है, तो आप कभी भी आओ, विजिट करो, अपनी क्वायरीज जानो। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस की प्रिस्क्रिप्शन पे इवन हम आपको एक टेस्ट फ्री देते हैं, जिसे डर्मास्कोपी कहा जाता है, जिससे हम रूट कॉज जान सकते हैं डिजीज़ का कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो आप आओ, एटलीस्ट अपने बालों की जाँच कराओ। अभी आप, अगर आपको लगता है कि आपके बाल हेल्दी भी हैं, फिर भी आप आइए, अपने बालों की एटलीस्ट जांच करवाइए कि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, बालों की कंडीशन कैसी है, और फिर आपके बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। मैम टोटल पूरे देश भर के अंदर पता लग रहा है कि 18 ब्रांचेज हैं आपके, घरौंडा में आपका हेड ऑफिस है। 10 साल पहले मुकेश अग्रवाल जी ने इस सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इस सफर के चलते, इस जर्नी के चलते 10 साल के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की बीमारी से छुटकारा मिला है, कितने, मतलब अब तक कुछ रैंक है या कुछ इस तरह का है जिससे पता लग सके कि इतने लोगों को इस समस्या से राहत मिली है? हजारों लोगों को इस प्रॉब्लम से राहत मिली है। हम एक स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वांटिटी ही इतनी ज़्यादा है। लोग जानते हैं VHCA के बारे में, जिस जिस शहर में ब्रांचेस हैं लोग जानते हैं VHCA के बारे में, और बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। तो वो हम नंबर तो एक नहीं दे पाएंगे अभी, बट देयर लॉट ऑफ पीपल। तो यतिका मैम यमुनानगर वालों से क्या कुछ उम्मीदें लेके चल रहे हैं, क्या लगता है यमुनानगर वाले यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया?
जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि यमुनानगर में कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हेयर्स की प्रॉब्लम्स को क्योर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर विजिट करेंगे, क्योंकि अगर आप एलोपैथी के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से और सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं तो हम हैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए। तो दोस्तों, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते आप बालों से जुड़ी किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पूरे देश भर के अंदर पहले से ही 18 ब्रांचेस चल रही हैं और घरोंडा के अंदर मेन ऑफिस है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने 10 साल पहले घरोंडा से इस सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आप जैसे लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से आज यमुनानगर के अंदर भी ये नया कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका है। तो अब डिसीजन आप लोगों का रहने वाला है। बाल एक ऐसी चीज होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लेकर आते हैं, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे को अगर छोटे से बच्चे को भी हम ध्यान से देखें तो उसके सर पर भी हमें सफेद बाल नजर आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान भी होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वजह जानते हैं, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के चलते लॉन्ग टाइम आप इस बीमारी से या इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकता है तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, यमुनानगर में जो मेरी इस खबर को देख रहे हैं, जिसके परिवार के किसी सदस्य को अगर बालों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वो यमुनानगर के बस स्टैंड के पास ऋषि राम हॉस्पिटल है और उसके बिल्कुल साथ ही है VHCA हेयर क्लिनिक। स्पेशली हेयर के लिए ये क्लिनिक खुल चुका है। बजट आप लोगों के अकॉर्डिंग फिट रहने वाला है, च्वाइस आपकी है, डिसीजन आपका है। तो यमुनानगर का यह क्लिनिक आप लोगों का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। एटलीस्ट एक बार यहां पर आकर विजिट करें। एक डेमो, जो फर्स्ट डेमो है, वो यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसके चलते आप लोगों को खुद यहां पर आकर पता लगेगा कि वाकई में ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चलते अब जल्द ही आपकी आने वाले समय में बालों से जुड़ी समस्या का छुटकारा होने वाला है और आपकी पर्सनैलिटी में और भी ज्यादा निखार आने वाला है। तो यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की टीम ने खासकर अपने व्यूवर्स के लिए यह वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज एटलीस्ट हम लोगों का मान रखने के लिए आप लोग इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नया क्लिनिक है तो इस समय आप लोगों के सपोर्ट की अपील करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, प्लीज मेरी इस वीडियो को देखने वाले इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आने वाले समय में इस क्लिनिक के चलते बालों से जुड़ी किसी भी समस्या का आपका छुटकारा हो जाए, वो भी बहुत ही कम बजट के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के VHCA हेयर क्लिनिक से मनदीप कर की रिपोर्ट।